अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ये देखिए मैं आज बना रही हूँ पराठा रोल। ये फ्रोज़न पराठा जो मिलते हैं मॉल से नॉर्मली, ये वही पराठा है और ये है चिकन। मैं इसको रोल करूँगी पराठा के अंदर। ये देखिए मेरा पराठा बन गया। जब मैं इसको रेडी करूँगी मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं इसको कैसे बनाऊँगी। इसके लिए मैं सोस लगाऊँगी, कैचअप लगाऊँगी, चिली कैचअप और मेयोनेज़ लगाऊँगी। मैं आपको दिखाऊँगी ये कैसा बनेगा, ठीक है? ये देखिए चिकन मेरा चिकन रेडी हुआ है। चिकन होममेड है, पराठा मैंने बाजार से लिया है, तीन पराठा खरीदा था ना, ये वो वाला पराठा है और चिकन मैंने खुद बनाया है। इसकी रेसिपी मैं आपको बताऊँगी, ओके? हाँ ये देखिए ये है प्लेन पराठा, ये यूज़ करती हूँ मैं पराठा रोल बनाने के लिए। इसका इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, सिर्फ इसमें ये मायोनीस लगेगी और ये चिली केचप लगेगी, बस ये इनफ है और बहुत टेस्टी मिलता है। आप ट्राई करके देखिएगा ज़रूर। ये देखिए एक पराठा मैंने ऑलरेडी बना लिया था, पहले बना लिया था मैंने पराठा। और ये ना प्रोसेस ये बन रहा है। देखिए मेरा पराठा रेडी हो गया ऑलमोस्ट। और चिकन भी ऑलमोस्ट रेडी ही है, अल्हम्दुलिल्लाह भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गया। ये देखिए गाइस मेरा चिकन रेडी हो गया, मैंने इसको भी निकाल लिया। ये देखिए गाइस मैंने इसके अंदर चिकन निकाल लिया था, अब इसके अंदर मैंने फ्राइज ऐड किया है ऑयल के अंदर ना, मैं इसको फ्राई करूँगी। इसको भी हम पराठा चिकन रोल में लगाएंगे, ठीक है? फ्राई हो गया। ये देखिए गाइस ये मेरा चिकन और ये पराठा और ये सॉस रेडी है। अब मैं आपको इसको बनाना कैसे है तो ये आपके साथ शेयर करती हूँ, बताती हूँ कैसे बनाना है, ठीक है? ओके अब हम इसमें मायोनीज़ लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसके ऊपर मायोनीज़ और सिर्फ चिली केचप लगेगी और इतना टेस्टी और इतना यम्मी बनता है, यकीन माने मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है। ओके अभी मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। ये है चिली केचप, जितनी आपको पसंद है उतनी लगा सकते हैं। ये देखिए है चिकन, इसको मैं ऐसे रखूँगा, चिकन लगाऊंगी। देखिए ठीक है, इसके ऊपर मैं फ्राइज़ जो नॉर्मली हमें बाहर से मिलती है फ्रोज़न वाली, मैंने वो यूज़ की है, आप कोई भी घर वाली भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब मैं इसको रोल कर दूँगी। देखिए कितना क्रंची, आपको साउंड आ रहा होगा, ये बहुत मज़ेदार और क्रंची बनता है। इसी तरह मैं दूसरा बनाऊँगी। ये देखिए ये हमारे दोनों पराठे रेडी हैं, साथ फ्राइज़, ओके, और साथ आप केचप के साथ ये सर्व करें, बहुत टेस्टी बनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ओके गाइस अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।